सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर क्षेत्र में खारे के कुएं के पास 11,000 केवी विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद दर्जनों मकानों में करंट दौड़ पड़ा। करंट के चपेट में आने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग भी झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें कि हाई वोल्टेज करंट से दर्जनों मकानों में कूलर, पंखे, फ्रिज सहित अन्य बिजली के उपकरण फूक गए हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली कर्मचारियों को सूचना देने के बाद भी बिजली सप्लाई बंद नहीं की और अचानक मकानों में करंट दौड़ने से पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दूसरी ओर जेएन फरीद खान का कहना है कि ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। रात को 3:30 बजे अचानक ही डीपी में फॉल्ट हुआ और फॉल्ट होके डीपी से लाइट भी बंद हो गई। उसके बाद में जब सुबह 7:30 बजे अचानक फिर हमने कई दफ़ा लाइन मैन को फ़ोन किया और लाइन जीएसएस पे भी फ़ोन किया, तो जीएसएस पे फ़ोन किया तो उस वक्त उन लोगों ने ये बताया लाइन मैन आमीन गद्दी से बात करें, लाइन फॉल्ट है। उसके बाद में 7:30 बजे फिर अचानक लाइन चालू हुई और लाइन चालू होने के बाद में अचानक ही घरों में करंट दौड़ा, जिससे कूलर, फ्रिज और कई लोग झुलस गए, जिनमें करंट आदमी लोगों के भी लगा है, जिसमें एक बच्ची, दो आदमी और एक औरत।